और मेरे साथ एक बहुत बड़े टिकटॉकर हैं, मुइज़ुल हसन साहब। ये पाकिस्तान ट्रेन ऑफिशल्स के नाम से इनका चैनल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम। मैं मोहम्मद सईद, आपके साथ ब्रांच लाइन की ट्रेन 127 अप मेहर एक्सप्रेस का ट्रेन रिव्यू शेयर कर रहा हूँ। ये ट्रेन है प्राइवेट सेक्टर एस जमील एंड कंपनी के ज़ेर इंतज़ाम चलती है, फ्रॉम मुल्तान कैंट टू रावलपिंडी। ब्रांच लाइन की इस ट्रेन रिव्यू में आपके साथ कोचेस की तफसील, किराया और स्टॉप की जो मालूमात है वो शेयर करूंगा, और मुल्तान रेलवे स्टेशन पर मेरी ट्रेन ट्रिक टॉकर से मुलाकात जो हुई है वो भी आखिर में आपके साथ शेयर करेंगे, ज़रूर देखिएगा। मगर इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। ये 127 अप का रैक आप देख रहे हैं। ऑनलाइन बुकिंग के लिए प्ले स्टोर से एस जमील एंड कंपनी की ऐप डाउनलोड कर लेंगे, या उन रेलवे स्टेशन से भी बुकिंग करवाई जा सकती है जहां 127 अप ऑपरेट होती है, या वो दीगर स्टेशन जहां पे एस जमील एंड कंपनी के बुकिंग काउंटर मौजूद है वहां से बुकिंग करवा सकते हैं। आज का ये रैक 10 कोचेस पर मुश्तमिल था, जिसमें 8 इकोनॉमी क्लास और 2 एसी स्टैंडर्ड्स की कोचेस थी। इकोनॉमी क्लास के साथ ही ब्रेक वैन भी अटैच थी। वन ट्वेंटी सेवन अप का डिपार्चर टाइम तो 3:40 था, मगर तकरीबन 1 घंटा पहले ही प्लेटफॉर्म पर रैक को लगा दिया गया था। व्यूअर्स, में तकरीबन 5 से 6 घंटे मुल्तान रेलवे स्टेशन पर मौजूद था, और ट्रेनों की अराइवल डिपार्चर के हिसाब से ये बड़े बिजी आवर्स थे। 2 डाउन खैबर मेल के ये पैसेंजर्स हैं जो कि जोहर की नमाज अदा कर रहे थे। 127 अप की इकोनॉमी क्लास की कोचेस पर स्टेशन्स के नाम लिख के उनको वाजा किया गया था। इकोनॉमी क्लास की साफ सुथरी कोचेस थी जिसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट अवेलेबल नहीं था। 1 पर्सन फेयर फ्रॉम मुल्तान टू रावलपिंडी 1200 रुपये, कोटद्दू का 250 रुपये, और जबकि मुल्तान कैंट से किंदिया का 800 रुपये। व्यूअर्स, बाकी जो 35 स्टेशन हैं उनके फेयर की डिटेल आप एंड में लिस्ट से देख पाएंगे, और साथ ही इन सब स्टेशन का अराइवल टाइम भी होगा। वन ट्वेंटी सेवन अप में एसी स्टैंडर्ड की 2 कोचेस लगाई गई थी। व्यूवर्स, ये दोनों साफ सुथरी थी, एसी भी अच्छा काम कर रहा था, फैन भी चल रहे थे, टेम्परेचर भी अच्छा था, और मोबाइल चार्जिंग पॉइंट भी अवेलेबल थे। एसी स्टैंडर्ड 1 पर्सन फेयर फ्रॉम मुल्तान टू रावलपिंडी 2380 रुपये, जबकि मुल्तान से कोटद्दू का 490 और किंदिया का 1410 रुपये। व्यूअर्स, ये फेयर और दीगर भी डिटेल्स तब्दील होती रहती हैं, आप कमेंट बॉक्स में कभी भी जो अपडेट्स हैं वो पूछ सकते हैं। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट तो अवेलेबल थे, चूंकि लाइट शो नहीं हो रही थी लिहाजा इस्तेमाल से पता चल सकेगा कि ये वर्किंग पोजिशन में थे या नहीं। वन ट्वेंटी सेवन अप के साथ लोकोमोटिव HBU 28052 अटैच किया जा रहा था।
127 अप तकरीबन 4 मिनट की ताखीर से रवाना हुई और ये ट्रेन तकरीबन 14 घंटे 55 मिनट का सफ़र करेगी मुल्तान से रावलपिंडी तक। रावलपिंडी इसका अराइवल टाइम होगा सुबह 6:35। 128 डाउन रावलपिंडी से मुल्तान के लिए शाम 5 रवाना होती है और 128 डाउन का अराइवल टाइम सुबह 7:40 है मुल्तान कैंट स्टेशन पर। रावलपिंडी से मुल्तान कैंट तक जो स्टेशन्स हैं उनकी तादाद 35 है। 127 अप और 28 का कोट अदू में 10 मिनट का स्टॉप है जबकि कुंदिया में इसका स्टॉप 20 मिनट का है और बाकी जो 33 स्टेशन है वहाँ ज़्यादातर जो है वो 2 मिनट का स्टॉप है। वीवर्स कुंदिया वो जंक्शन है जहाँ पे 127 अप 128 डाउन का क्रॉस भी होता है और दोनों के लोकोमोटिव भी चेंज होते हैं। स्क्रीन पर आप 127 अप और 128 डाउन के स्टॉप की तफसील देख सकेंगे और साथ ही इकोनॉमी क्लास की फेयर लिस्ट भी है। व्यूवर्स मुल्तान कैंट स्टेशन पर मेरी ट्रेन टिकटॉकर से मुलाकात हुई, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सईद व्लॉगिंग एंड कुकिंग विद सईद से इस वक्त मुल्तान स्टेशन पे हूँ और मेरे साथ एक बहुत बड़े टिकटॉकर हैं मुइज़ुल हसन साहब, ये पाकिस्तान ट्रेन ऑफिशल्स के नाम से इनका चैनल है, तो आज इनके साथ हूँ मैं, तो इनसे हम बातचीत कर रहे हैं, तो इनसे मुलाकात करते हैं, देखते हैं कि टिकटॉक के बारे में क्या कहते हैं। और यूट्यूब पे भी आपका चैनल है? जी रिसेंटली बनाया है, यूट्यूब पर भी तकरीबन 12-1 दिन हुए। तो मोहित साहब यूट्यूब पे जो आपका चैनल है उसका क्या नाम है? उसका नाम भी पाकिस्तान ट्रेन ऑफिशियल नाम ही है। अच्छा, उसका भी नाम है। वो कितना अर्सा हो गया, कितनी वीडियोज़ हैं उसके ऊपर? अभी तक तो तकरीबन 11-15 वीडियोज़ हैं, उस पर एक व्लॉग भी है मेरा और 12 दिन हुए हैं। तो पाकिस्तान के रेलवे के बारे में आप जो है वहाँ पे वहाँ पर भी पोस्टिंग जो है पाकिस्तान की रेलवे के बारे में ही है। हमारा मोटो है यूट्यूब पर भी और स्नैक वीडियो पर भी टिकटॉक पर भी कि हमने पाकिस्तान का एक अच्छा फेस शो करना है, जो पाकिस्तान के रेलवे के बारे में लोग अफवाहें उड़ाते हैं उसको हमने एक किस्म का रोकना है। सही। जो गलत इन्फॉर्मेशन लोगों की तरफ जाती है हमने उस चीज़ को रोकना है ताकि लोगों को सही मालूमात मिले, उनको पता लगे कि पाकिस्तान रेलवे के जो मुलाज़मीन हैं वो किस तरह से मेहनत करते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करवाने में। सही। हमारा सिर्फ मोटो ये है। तो मोहित साहब मुझे बहुत खुशी हुई आपसे आज मिलके। बड़ी मेहरबानी साहब। और मैं मुल्तान आया हुआ था तो यहाँ खैबर मेल का मैं व्लॉग बना रहा था। जी जी। तो आपसे मिलके मुझे बहुत खुशी हुई, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात रहेगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर 127 अप का ये ट्रेन रिव्यू पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद वीडियोज़ आपको मिल सकें।